सो जाओ। हाँ सर, प्लीज सो जाओ, नींद लग रही है। हाँ अब सो जाओ प्लीज, थैंक यू, गुड। अरे बोल रहा हूँ सो जाओ। नींद से लड़ाई मत करो, सो जाओ। हाँ नींद से लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, सो जाओ। हाँ कोई फायदा नहीं, सो जाओ। आज कंचन ने बनाया है पनीर, और ये देसी पनीर है, खाने में बहुत अच्छा स्पंजी लग रहा है। अभी संजू आई है, मेरी सिस्टर, सब लोग, आज सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। हालांकि आदत खत्म हो गई है साथ खाने की यहाँ पे। और प्रधान जी खाना खा लिए, तो हम लोग को क्या खिला रहे हैं? पनीर है, चावल है। अच्छा पनीर हम आपको खिला रहे हैं, आप हमको क्या खिला रहे हैं? हाँ सो अभी हम लोग जाने वाले हैं मेरी छोटी सिस्टर के घर, और हमारी मिडिल वाली सिस्टर संचू द ग्रेट ब्यूटिशियन आर्टिस्ट तैयार कर रही है कंचन को जल्दी जल्दी। और सो ये तैयार हो गई हैं बहुरानी, बड़ी बहुरानी संजू ने तैयार कर दिया है अच्छे से। एक बार मुझे किस कर दो, किस करो प्लीज, एक बार किस करो। नहीं हाँ तेरी की, हाँ किस करो। तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, तुमने को तो मैं करूँगा। अच्छी लग रही है मुझे अच्छा लग रहा है यार। अब कंचन को अमेरिका में साड़ी पहनना पड़ेगा हर सैटरडे संडे। हाँ और क्या। सो अभी हम लोग घर से निकल दिए हैं, अगेन हम सोनू आ गए हैं हम लोग को पहुंचाने के लिए वहाँ पे। हमारी टीम में आज हैं अरविंद चाचू, ये मेरा कजिन है जो इलाहाबाद रह के पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है, दो जगह पढ़ता है, इलाहाबाद रह के तैयारी करता है और यहाँ इसका कॉलेज है। इनको दिखा दो यार बाहर। यस येलो वाला मस्टर्ड है, बिगेस्ट प्लस है, बम्पी राइड है, सो मच वाटर है, यस सो गुड ना। वहाँ पे बम्पी राइड के लिए खेत में जाना पड़ता है पैसा देके, यहाँ पे ऐसे ही मिलता है। समोसा 20 समोसा नहीं खा पाओगे बेटा। हम आ गए हैं अपने सिस्टर के गांव में, इसके आसपास की ये देख सकते हैं कैसा गांव है, हम ही लोग गाँव की तरह भी है, हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। अच्छा इंटर करें, ओह अब क्या लग गया, अब जा रहे हैं बुआ के घर गाइस। ये देखो गन्ना शुगर केन, ये देखिए लौकी लगा हुए हैं, मस्त लौकी आई हुई है, इधर भी आई है। चल को हम लोग बुआ को बताएंगे। और यहाँ कुआं है बट इसमें लगता है कोई यूज नहीं करता है पानी। ये देखिए आ गए इसके घर। ए साची हम भुला के नहीं, परसे तीन डालो भाई, परसे डालो। और ये है हमारे जीजा जी विजय, जो यहाँ के नहीं है, दूसरे एरिया के लेखपाल है, सतपुर तहसील के लेखपाल है। और ये है हमारी छोटी सिस्टर प्यारी सी। यहाँ फोटो और इंस्टाग्राम का ट्रेंड कि ना पानी पिलाना ना कुछ, हम उठे हैं और फोटो खींचने चल रहे हैं। सो जीजा जी टूर देने से मना कर दिए भाई, सुनीता अपने घर का टूर देने जा रही है। सो इधर से इन लोग के घर की एंट्री है, कुआं तो बंद हो गया है ना। हाँ और ये जीजा जी के चाचा का घर है, बड़े पिताजी का घर है ताऊ जी का, और ये इनका घर है यहाँ से पूरा। इधर बाथरूम वगैरह बनाए हैं, ये सरकारी मशीन है, एंड ये गाय की नस्ल इनकी बड़ी अच्छी है। इधर बताओ भाई, हम बताएं नस्ल तो हम नहीं जानते हैं, नस्ल ना जानते हो, क्यों नस्ल ये हो? साहिवाल। हाँ ये जर्सी नहीं है, इसको साहिवाल बोलते हैं। जर्सी गाय के ऊपर ना वो चितकबरा जो रहता है अमेरिका में भी, वो जर्सी है, ये साहिवाल है। दूध बहुत ज्यादा देती है। हाँ मतलब ये जब ठीक थी इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अदरवाइज 6 लीटर एक टाइम देती है। 6 लीटर सुबह 6 लीटर शाम। अच्छा इसका बच्चा मर गया,
तो दूसरा आया है, तो ये इसको अपने बच्चे की तरह मानती है, मान लेती है, एकदम मान लेती है, तो हम लोग भी आश्चर्य हो गए। अच्छा, दूध पिला देती है? हाँ, दूध पिलाती है, इसीलिए तो नहीं, शुरू में 10 दिन बछड़ा था। सो जनरली दूध देने के लिए क्या करते हैं लोग कि बछड़े को छोड़ते हैं, जाके दूध पीता है, तो फिर जो गाय होती है वो दूध पिलाने के उसमें आती है तो ज़्यादा दूध निकलता है, फिर हम लोग दूध उससे निकालते हैं। दूसरे के बच्चे को कभी जल्दी नहीं पिलाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, एक्सेप्ट कर लिए। तो ये बहुत अच्छी गाय है, अच्छी गाय है। हम लोग मेन घर में जाएंगे इधर बाद में, बाहर इनका सेटअप है, ये कार है इनकी, स्विफ्ट डिजायर है। इधर गाय वगैरह रख के बांधने के लिए लोग बनाए हुए हैं, इसमें क्या है, भूसा, इसमें भूसा वगैरह रखते हैं गाय भैंसों को खिलाने के लिए। और पूरा इसमें दिख नहीं रहा है, आई थिंक दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो जो भूसा बनता है गेहूं के तने से, गेहूं का जो क्रॉप होता है उसे निकालने के बाद, ये इन लोगों का हम लोग लिट्टी उट्टी बनाते हैं, खाना वाना बजड़े की लिट्टी, जैसे चावल की लिट्टी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग शाम को कभी कभी ठंडे में बनाते हैं। सो इनका दो किचन है, ऊपर एक गैस के साथ है घर में, और यहाँ पे जो चूल्हे वाला है, यहाँ का चूल्हा हम लोग की तरफ यूनिक होता है, आप देख सकते हैं कि इधर से रहता है, दोनों तरफ आग निकलती है, और जिसको लगाना है भाई बीच से ऐसे लगाता है, एक इधर कर दीजिए और एक का हल्का सा तिरछा करके इधर कर दीजिए, तो दोनों तरफ आग लगती है और इधर से स्मोक वगैरह आ जाता है। तो ये सारा बेसिक सेटअप है गांव का, जो हमेशा रहता था गैस का, तो अभी 5 साल से 7 साल से कहेंगे कि हम लोग के घर में आ गया, नहीं तो हमेशा यही रहता था। और गोइठा है, गाय का गोइठा बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, कंडा बोलते हैं लोग कुछ लोग, और इसको क्या बोलेंगे, समर समीर बोलते हैं, काऊ की पोटी है जो ड्राई हो गई है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा भूसा वगैरह है, या जो धान की भूसी है और जो खाली बेकार वाला धान होता है वो है, सब इसमें लगा के और पानी से लगा के इसको इस तरह बना देते हैं। इधर मोटा है, देखिए अभी कच्चा है इधर, और जब ये सूख जाएगा तो फिर एक जगह कलेक्ट करके रख दिया जाता है, और इसी को यूज करते हैं, और इसी के ऊपर बनता है यूपी बिहार का सबसे फेमस बाटी चोखा। हाँ, इसी के ऊपर बनता है। ये चारे वाली मशीन है, बट आई थिंक अभी यूज नहीं होती है ना। हाँ, अभी नहीं, जैसे भूसा का सीजन था। ये साची, चलो अपने घर में घुमाओ, जल्दी जल्दी भैया, चलो अपने घर में ले चल। हाई केकर गाड़ी हो, हाई केकर गाड़ी हो, पापा का एपर बैठ के कहाँ चालू, चाबी ना हुए ना। चाबी ले आई, कहीं चली जा, कहाँ चलबू, बारात में जा लेकर, मतलब ये हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये गेट भी यहाँ पे बहुत कॉमन हुआ करता था, ये चेन वाला बोलेंगे या क्या बोलेंगे, चैनल गेट बोलते हैं इसको। गांव में हमेशा ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर सोना, रात को खेत जाना, तो एक कॉमन डिफेंस के लिए यूज होता है। हम लोग इसको लाठी बोलते हैं, ये थोड़ा सा बराबर है, बट जनरली कई बार हम लोग थोड़ा सा, यहाँ मोटा रहती है, यहाँ पतला, और बांस की है, इसके ऊपर जला के हल्का हल्का इसको डिज़ाइन बनाए हैं, तो बड़ा यूनिक सा लग रहा है। तो हमेशा जैसे गाँव में लोग बाहर सो रहे हैं ना, तो खाट के बगल में रखे रहते थे, जा रहे हैं खेत में, रात में, दिन में, सुबह, हमेशा रहना चाहिए, कोई एनिमल अटैक कर दे, कोई सी कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब हमेशा ये साथ। इनके घर में भी दो रखा है, ये मेन एंट्री से आए हैं, ये इनका घर है यहाँ पे, मेन लिविंग रूम बनाना चाहिए, बट अभी लिविंग रूम इनका ऊपर बन गया है, छोटा सा आई थिंक टीवी रखे हैं, इधर अम्बेडकर जी की फोटो है, और इनकी और विजय की शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से हुई थी, इन लोग की स्पेशल डिमांड थी, जैसे लोग किए थे, आई थिंक हम लोग अरेंज किए थे या नहीं पता नहीं, बट इन लोग के हिसाब से पूरी शादी हुई थी। इधर मम्मी पापा रहते हैं, हाँ मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं, सो कोई भी आए तो पहले मम्मी पापा को पकड़ता है। हाँ, सो इनका घर काफ़ी बड़ा है हमारे घर से, इसमें आई थिंक एक कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है, इसमें कौन रहती है, सबसे छोटी वाली रहती है, तो आप कौन है, बीच वाले हैं, ये बीच वाले हैं, तो इनसे छोटी वाली
जो इनके ब्रदर की फैमिली इसमें रहती है, और ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम है इधर पूरा बड़ा सा है, और बड़े वाले भैया भाभी रहते हैं इसमें, बड़े वाले भैया भाभी रहते हैं, सबके अंदर तो नहीं दिखाने हम जाएंगे जी। और ये अभी ऐसे ही खाली है, ये वैसे खाली पड़ा है। वैसे हम लोग बेसन वेसन भी पीस लेते हैं, बजरा का आटा पीस लेते हैं, इतना ठंडा अंदर रहता है तो खराब नहीं होता है, बट लग रहा है आलू जमने लगा है। ओ, पिछले साल का है, ये किचन है यहाँ पे, अभी किचन ठीक ठाक है स्पेस। इसके बारे में सुनीता बताया कि क्योंकि इसमें सारा काम इसका है, सुनीता का है, कोई भी काम हो। तो यहाँ से सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सुनीता ने अपना घर ऊपर लिया है क्योंकि ऊपर से ज्यादा हवा आएगी। इधर भी ऐसे ही सेटअप है, इधर पूरा स्टोरेज का है, इधर भी सब बड़े बड़े बॉक्सेस रखे गए हैं, इसमें भी स्टोरेज है। इधर पूरा ये लोग का बाथरूम वगैरह सेटअप बनाया है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, इधर सेटअप है। चलो अपने रूम में ले चलो फिर। हाँ ये इसका बेडरूम है, ये यहाँ पे सबकी फोटो लगी है हमारे यहाँ से, ये सुनीता के परिवार के फैमिली का फोटो है। हाँ और ये क्यों रखा गया, साची का है, क्यों फटकती है इसी से। अच्छा, सिखा रही हो कि तुमको खाना बनाना नहीं है? रोने लगती है। हाँ, इसको हम लोग सूप बोलते हैं बट ये छोटा वर्जन है। हाँ, और कैसे चलाते हैं, थोड़ा पकड़ो तो मैं चलाऊं तो सही तो कर रहे हैं। तो जैसे आप भूसी वगैरह इसमें है, लाइट चीजें कोई और ग्रेन वगैरह है तो इसमें रखेंगे, और ऐसे ऐसे करके करेंगे तो ऊपर उठता है, फिर हवा इधर से जाती है तो फिल्टर कर देता है, तो हल्की चीजें उड़ जाती हैं और मेन ग्रेन इसमें रह जाता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल है, और सरसों के लिए भी यूज करते थे ऐसे ऐसे करके। अभी मिलता है, मुझे लग रहा था कि वो पूजा के लिए टीन वगैरह का आ गया। दादी से मिलावा, दादी कहाँ दिखावा, ये मेरी सासू माँ है। हाँ हाँ, तो सास बहू वाला झगड़ा तो नहीं चलता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। आज तक तो नहीं हुआ है। सो ये सुनीता की मम्मी है। और ये मेरी छोटी ननद है, शर्मा रही है थोड़ा, मेकअप आयु। तो अरे फोटो लगा दे थंबनेल में। ए समी, और इनसे तो आप जानते ही होंगे। हाँ, ये मेरी भाभी जी है। अपने पति जी से मिलवाई कि नहीं, सब मिलवा दिए हैं। और ये मेरी जेठानी जी है। अच्छा। काफी मिलती जुलती है हमसे। So, जेठानी का मतलब होता है कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ, और वाइफ और छोटी जो होती है उनको देवरानी बोलते हैं। देवरानी जी कहाँ है? वो फिलहाल नहीं है, बैठ गए हैं। अच्छा, सो इधर लोकल लिविंग एरिया है, इधर भी ऊपर बनाए हुए हैं। आई थिंक ऐसा ही सेटअप नीचे रहता तो बहुत अच्छा लगता। अपन नाम बताओ। अभिषेक। अभिषेक क्यों नहीं क्लास में पढ़ेला? तीन में। ओ यार बढ़िया, आजा आजा। अभी हम लोग आ गए हैं इनके छत के ऊपर। हाँ भैया, लगता है कि तुम्हारी बिल्डिंग इस शहर में सबसे ऊँची है। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, वाटर टैंक है। हाँ। ये किसका है? कजिन का, छोटा हमारे देवर का। अच्छा, और ये आपके जेठ जी का है। समीर का क्वेश्चन है कि वो सब क्या है, तो वो जो ना इस पे बिछाया गया है वो गेहूँ, धान है, गेहूँ है। सो गेहूँ है, उसको सुखाया जा रहा है, उसको फिर पिसा के आटा बनेगा, उसी से रोटी बनेगी। और इस ग्रीन वाले मकान में एक हमारे सीनियर थे, दिनेश चंद भारती, उनका घर है। वो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सीनियर थे, अभी किसी एक मेटलर्जी एक माइनिंग कंपनी के लिए काम करते हैं पुणे में। डागी आएगा तो ऐसे मार देना, इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है। हाँ, अरे यार संभाल के देखिए तुम उसको। अभी लोग बोलना सीख गए, हट हट हट। फिर मस्त ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं जिससे ताड़ी निकलती है। ताड़ी एक तरह का लिकर होता है जो प्लांट से निकलता है, काफी इधर पॉपुलर है। आई थिंक साउथ में भी काफ़ी पॉपुलर है, साउथ इंडिया में। ये हैं दिनेश चंद भारती जो हमारे सीनियर थे, उनके पिताजी, और इनका घर है, ये माता जी हैं। ये बोल रहा हूँ कि ना ना बैठा भाई, हम निकलने वाला हैं। हाँ,
निकलने वाला है और घर ठीक घर एकदम बढ़िया हाल चाल है घर एकदम बढ़िया हाल चाल है बोल रहा है कि मैंने चिकन देखा सी इज डूइंग पक 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 ऑल द टाइम अरे बेटा ना उसको टच करोगे ना तो बहुत मारेगी हाँ ये तो देसी बा हो एकदम ये जो बकरे हैं ना इनको बोलते हैं लोग बता रहे हैं कि तोता परी नस्ल है और ये तो के दिन याद है कि कितना महीना का हो सही बच्चा छह महीना तो बहुत देखिए तोता जैसा है पाँच किलो का पैदा भाई ना सो हाँ जो खाईना सो पाँच किलो का जो है गिरउलस बकरिया हाँ पाँच किलो का पाँच पाँच के जी के पैदा हुए थे हाँ। तो डिबी छः महीने का अगर छः महीने का देखें साइज तो बहुत बड़ी साइज है इनकी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखिए हाँ घोड़ा मत हाँ देखो हाँ नहीं कुछ नहीं कर रहा है खाने के लिए मांग रहा है वो खाने सी नथिंग तुम्हारा कुछ नहीं करेगा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा देखो अरे गुदगुदी आ रही है यार टिंगलिंग हो रही है टिंगलिंग देखिए असली असली मेहंदी का पेड़ है पेड़ तो नहीं बोलेंगे श्रब्स बोलेंगे इसी को पीस के आप लगा सकते हैं इसमें कुछ मिलावट के ऊपर लगा हो कुछ ना हाँ हाँ ये देखिए ये है बाजरे की बाली इसको सुखा के एक एक जो दाना है वो निकाल के फिर उसका बनता है दिस इज कॉल्ड मिलेट्स इन इंग्लिश ये बहुत अच्छा मिलेट है इसको बोलते हैं बाजरा हाँ हाँ इसको खाते हैं इसका ना हम लोग बहुत कुछ बना के खाते हैं ये टर्टल थोड़ा सा शर्मा रहा है शर्मा रहा है तुम लोगों से कि अमेरिका से आए हो हम मुंह नहीं दिखाएंगे हाँ ये छोटे छोटे टर्टल हैं जो गांव में रहते हैं ये देखिए देखो निकाल रहा है देखो ये नहीं भाई ये लोग टर्टल पाले हैं हमको लगा कि कहीं ना इसे निकाल लें बगल वाले तालाब से अरे ये कभी रेस्ट कर रहा है वो भी मूव करेगा वो डाई हो जाएगा हाँ तो आज के लिए पैसा दे रहे हैं फूफा जी हाँ सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इनके घर रहे हैं बहुत अच्छी सी जिंदा मछली ला के लोग खिलाए थे मतलब पेट में तैर रही पेट में तैर रही होगी ये है कि समय कम रहा भैया से इतना में ही जिससे मुलाकात हो जाती है एक महीने में अभी कई जगह घूमना है और सो इनके गांव का एक और ये लुक है इधर से देखिए अगेन ये गांव गाजीपुर से आई थिंक 15 किलोमीटर दूरी पे है जी हाँ और हमारे भी गांव के कुछ लोग इसमें मतलब रिश्तेदारी है इनके यहाँ की हमारे गांव में रिश्तेदारी है और इनको ले चल रहे हैं हम अपने घर अरे 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 तैसा रोला लोग तैसा रोला लोग कैसा लग रहा है समीर गुड लग रहा है हम आए थे इससे इंट्रोडक्शन कराने के लिए बता सोने वाला है यार ये सो रहे हम लोग बोल दोगे